सो गाइस, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, मैंने पकड़ रखा है एक परमानेंट मार्कर और दूसरे हाथ में मैंने रखा है एक ये लाइटर। तो दोस्तों, क्या परमानेंट एक मार्कर में लाइटर से जलाते तो आग लगती है नहीं, वो आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है, आप घर पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, काफी खतरनाक है। मैं लूंगा एक बोतल, फिर बोतल के साथ करूंगा एक नया एक्सपेरिमेंट। हमारे तो दिमाग में ही बारूद भरा है, आप ऐसा घर पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने ले ली है एक लगभग 2.25 लीटर की खाली बोतल और मेरे दूसरे हाथ में पकड़ रखा है मैंने एक मार्कर। आप सिंपली क्या कीजिएगा, इस मार्कर को यहाँ से ओपन करें और मैं कर लेता हूँ ओपन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब मैं इसको खोल लेता हूँ और जो इसकी इंक आती है रिफिल होने वाली, वो आप निकालें। सिंपली आप देख सकते हैं मेरे एक हाथ में है जो रिफिल होने वाली इंक है जो मार्कर से निकली है, उसको इस बोतल में डाल लें। बड़े आराम से केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये हाथों पे लग गई तो फिर ये मिटने नहीं वाली है। तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली। तो अब जो इस बोतल का ढक्कन होता है, इसको सिंपली आप लगा दें और इस बोतल को आप कुछ इस तरीके से मिक्स करें कि ये जो इंक है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाए। आप देख सकते हैं मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो इसके छींटे हैं वो बोतल के भी अंदर लग रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस बोतल का जो ये जो माउथ होता है उसको कसकर टाइट कर दें और इसको जब तक हिलाएं तब तक ये पूरी बोतल इस मार्क से पूरी ब्लैक नहीं हो जाती। तो मैं इसको हिला देता हूँ। हमने इस बोतल को पूरी तरीके से एक ब्लैक रंग में बदल दिया है। आप इसको ब्लैक देख रहे होंगे मगर ये अंदर से नीला है, बिल्कुल आप ब्लू कलर को आप इसको देख नहीं रहोगे। अगर आप मैं इस बोतल को ट्रांसपेरेंट कलर में देख सकता हूँ, ब्लू है। तो अब ये अपना जादू शुरू कर लेते हैं कि बोतल में ऐसा क्या होने वाला है। तो दोस्तों, हमने इस बोतल को अपनी जगह पे रख दिया है और इस ढक्कन को मैं खोलकर एक माचिस की मदद से माचिस को जलाकर इसके अंदर डाल दूंगा, फिर देखते हैं इसके अंदर से क्या जादू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने खाली कर लिया, इस ढक्कन को निकाल लिया है और अब मैं जला के इसके अंदर डाल दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर से आग निकली है और मार्कर ने जो इसकी इंक थी वो आग के जरिए बाहर आई है। एक बार और डाल के देखता हूं कि अभी भी इस मार्कर में आग बची है या नहीं। नहीं, इस बार कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मगर जो मैंने पहले तीली गिराई थी उसके अंदर से ये पूरी तरीके से जली है और बोतल भी हमारी गर्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसा रहा हमारा आज का ये एक्सपेरिमेंट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।